हम कितनी देर है मोबाइल पर गेम खेल खेल कर भी वो उकतास ही गई थी। बाबा कह रहे हैं ना, वो जो बेड पर इसके दोनों पाँव गोद में रखे बैठा था अभी तक नाखूनों पर ही तवज्जो मरकूज किए हुए था। मेरे नेल्स की शेप ना खराब हो, क्राउन से टेक लगाए इसने महरानी की तरह नया हुक्म जारी किया था। नहीं होती मालकन, देखिए ठीक है, काम खत्म करते इसने तलब किया था। मच बेटर, बागों और नाखूनों को देखती वो थोड़ी मुतमईन हुई थी। अब हमारी छुट्टी, हम इसने फौरन मुंह बसूरा था। जी हम की जान, इस पर ये वाला नेल पेंट कौन लगाएगा? लैंप के पास पड़ा नेल पेंट इसने यूर की जानब उछाला था। हम ही तो लगाएंगे, बिलाखर हम ही ने तो महरानी साहबा का ठेका उठाया हुआ है। नेल पेंट की बोतल खोलता वो नई मुहिम में मसरूफ था। जी जल्दी करें, फिर मेरे हाथों के नाखून की भी शेप बनानी है। इसे नया काम सौंपती वो फिर मोबाइल की जानब मुतवज्जा हुई थी। अल्लाह किसी दुश्मन को भी बीवी का दीवाना ना बनाए, सरदाब भरते इसने खुद ही को कौन सा था। बीबी जी चाय, मुलाजमा की आवाज पर इसने आंखें झटपट खोली थी। हाँ आंखें मलते वो सीधी हुई थी। चाय, मुलाजमा ने चाय का कप लैंप के पास रखा तो वो नीम दराज सी सीधी होकर बैठ गई। ठीक हो जाओ तुम। नींद टूटने पर गुस्सा बहुत था मगर अब इसे डांट कर भी कौन सा दोबारा नींद आ जानी थी। आज ही शहीर इसे मोबाइल मरम्मत के बाद वापस देकर गया था। मोबाइल के लॉक और होम स्क्रीन पर यूर के हमरा इसके बहुत से खुशगवार लम्हात डेरे जमाए हुए थे, जिन्हें बदलने के गर्ज से इसने गैलरी खोली तो नजर वलीमे की तस्वीर पर गई थी। वलीमे से अगले दिन ही यूर ने हंगामी बुनियादों पर सब तस्वीर इसके हुक्म के मुताबिक मोबाइल में मंगवाई थी, जिन्हें वो घंटों टिकटिकी बांध कर देखा करती थी। जिंदगी कुछ दिन पहले कितनी मुख्तलिफ थी और आज हर रिश्ता खुद से बहुत दूर किए वो तन्हा जैसे कोई सजा काट रही थी। हमें नींद नहीं आ रही सारी, हम जानते हैं कि तुम भी जाग रही हो। अचानक व्हाट्सएप पर यूर का मैसेज आया था। अब तो हमें भी पुख्ता यकीन हो गया है कि तुम्हें भी हमारी याद सोने नहीं देती। इसने अगले ही लम्हे मोबाइल डाटा बंद किया तो सिम पर पैगामात की मुंतकली का सिलसिला शुरू हो गया था। मोबाइल को बंद करती वो चाय की तरफ बढ़ी तो कप में रखी चाय शरबत में तब्दील हो चुकी थी। बुरा सा मुंह बनाती वो कप उठाए किचन को चली गई थी। क्या हुआ शोना? सुल्तान पानी पीने वहाँ आया तो वो कप में काफी फेंट रहा था। कोई वकील नहीं मिला अभी तक। एसबी, इसकी सुल्तान से होने वाली हर गुफ्तगू का आगाज इसी सवाल से होता था। यूर के खौफ से कोई हामी नहीं भर रहा, मेरे जाने से पहले वकील के पास इसकी धमकियां पहुंच जाती हैं। मुझे समझ नहीं आती, पूरा शहर जिसके नाम से डरता है इसके तुम्हारे सामने एक नहीं चलती, कमाल है। सुल्तान ने तंज के निश्तर बहुत महारत से चलाए थे। आपको मजाक सूझ रहा है? कप को एक तरफ रखती हुई वो चूल्हे पर उबलने के लिए दूध की पतीली रखते हुए भरम हुई थी। नहीं लड़की, तुमसे टिप्स लेनी चाहिए कि बेलगामों को लगाम कैसे डाली जाए। वो जाहिल इंसान एसपी, वो जाहिल नहीं है। इसने बहुत सख्ती से सुल्तान की बात काटी थी। मगर तुम तो बुलाती हो ना, इसने बहुत रद्दों से हंसी को छुपाया था। मैं बुला सकती हूँ पर आप नहीं बुला सकते। इसे घूरते हुए खासी खतरनाक लगी थी। क्यों? सुल्तान ने भी दोनों हाथ कमर पर बांध कर तायराना नजर अपनी चहेती पर डाली थी। क्योंकि मैं कह रही हूँ ना, आइंदा ध्यान रखिएगा। पतीली को चूल्हे से उतारते बनसरे चुरा गई थी। उस ताकी माफ छोटी बलोच बेगम, इन लोगों के साथ रह रहकर इन जैसी ही बन गई हो लड़की। सुल्तान ने दोनों कान पकड़े माजरत की थी। कॉफी पीकर सो जाइए, इसके लिए कॉफी का कप सामने रखती अपना कप उठाए वहाँ मजीद न रुकी थी। थैंक्स स्वीट हार्ट, सुल्तान ने कॉफी का घूंट भरा तो तबीयत हशाश बशाश हो गई। सुल्तान बशीर ने काम के सिलसिले में वो दिन के लिए कराची जाना था। इसने बहुत इसरार किया कि अजफरीन दो दिन के लिए अफरीदी पैलेस चली जाए, पर इसकी एक ही रट थी कि वो मर जाएगी मगर अफरीदी पैलेस या बलोच हवेली का रुख तक नहीं करेगी। इसकी जिद के आगे हार मानकर सुल्तान इसे मुलाजमीन के भरोसे वहाँ छोड़ गया था, पर ये अपनी जिद से शहदा को नहीं मना पाई थी। यूर क्या हुआ? दादी फजर के लिए उठी तो यूर के कमरे से रोशनी बरामद होती देख कर वहाँ चली आई। दादो हमारा दिल बहुत घबरा रहा है। दादी वहाँ आई तो वो इनकी गोद में सर रख कर लेट गया। क्यूँ बच्चे? उसके बाल में उंगलियाँ फेरने लगी। हमारा दिल यूं तभी घबराता है जब हमारी जारी किसी परेशानी में हो। हमें इसकी बहुत फिक्र हो रही है दादो, इसकी जिंदगी एक ही नाम पर आकर रुकी थी। तुम इसे मोहब्बत जो इतनी करते हो यूर, इसी मोहब्बत ने इसे सर चढ़ा दिया है। तुम इसने तो मुझसे भी बात तक नहीं की, दादी बेजारी से बोली। वो है तो सदा की नाक चढ़ी दादू पर, क्या करे। अब अच्छी है या बुरी है वो हमारी तो बीवी है और बदकिस्मती से पहली और आखिरी मोहब्बत भी। इसे मलजूमों वाली शक्ल बनाई थी। जहान की आंख खोली तो सारा कमरे से गायब थी। इसने कई आवाजें लगाई मगर कोई जवाब ना आया।
फजर की अज़ान हो रही थी, लेकिन अगर वो नमाज के लिए उठी होती तो कमरे में ही होती ना, मगर वहाँ नहीं थी। मैंने तुम्हें एड्रेस भेज दिया है, कल सुबह का सूरज अजफरीन देख ना पाए। वो टेरेस पर खड़ी इसी कॉन्ट्रैक्ट किलर से फोन पर बात कर रही थी। काम हो जाएगा, पिछली बार की तरह किसी और को मत मार देना। पिछली दफा भी मारने के लिए इसे गए थे और मार मास को दिया था। इस बार मुझे अजफरीन की मौत चाहिए हर कीमत पर, और याद रहे इसे आसान मौत नहीं देनी। मैं चाहती हूँ कि वो सिसक सिसक कर तड़प तड़प कर मरे। हुक्म सादर करने के बाद इसने कॉल काटने की तैयारी की। मेरा भी इसी की तरफ कुछ हिसाब बाकी है, आसान मौत तो मैं भी इसे नहीं दूंगा। इसने अपने इरादे जाहिर किए, बस मेरी जिंदगी से अजफरीन नाम की नहुसत को खत्म कर दो अब। इसने कॉल काटी थी। जहान वो जैसे मुड़ी, जहान इसके बिल्कुल पीछे खड़ा था। इसका मतलब मास को तुमने? इसके असाब लरस गए थे। जहान, सारा का माथा पसीने पसीने हो गया था। अगर अजफरीन पर आंच भी आई तो सारा तुम अपने होने पर पछताओ की। इसका दाया कंधा अपनी आहनी गिरफ्त में दबोच कर वह दांत पीसते बोला था। यूर दादी की गोद में सर रखे ही लेटा था। पिछले आधे घंटे से इसकी हर बात अजफरीन से शुरू होकर इसी पर खत्म हो रही थी। इसी सना में जहान की कॉल आई थी। हेलो, क्या हम ऐसा कुछ नहीं होने देंगे? वो फौरन सीधा होकर बैठा था। यूर, क्या हुआ है? इसे फुर्ती से बेड से उतर कर जूते पहनता देख दादी घबराई थी। जारी, दादू जारू की जान को खतरा है, हम जा रहे। उजरत में कहता कमरे से दौड़ गया था। सारा को कमरे में बंद करने के बाद जहान ने भी सुल्तान बशीर के घर का रुख किया था। वो साथ ही अजफरीन को कॉल भी कर रहा था, मगर फोन साइलेंट होने के बाद कोई कॉल रिसीव ना हुई थी। एक लम्हे की ताखीर से कुछ भी हो सकता था। कौन है? कमरे के बाहर बड़ा गुलदान गिरने की आवाज सुनकर इसकी आंख खुली थी। फरीदा, इसे बेड पर बैठे बैठे ही मुलाजमा को आवाज दी, मगर कोई जवाब ना आया। फरीदा, इसे कमरे की रोशनी बहाल की और कमरे से बाहर निकली तो गुलदान फर्श पर गिरकर टूट फूट गया था। आधी रात को किसने इसे गिरा दिया? इसे टुकड़े उठाकर वापस गुलदान के शेल्फ पर रखे थे। फरीदा, इसे मुलाजमा को दोबारा आवाज लगाई मगर कोई आवाज ना आई। लगता है वापस सर्वेंट क्वार्टर में चली गई है। किचन में आकर इसने फ्रिज से पानी की बोतल निकालकर मेज पर पड़े गिलास में पानी ढेल कर पिया। किसी कदमों की हट सुनकर इसका हल्क में जाता पानी अटक गया। यह हट भूलना इसके लिए नामुमकिन थी। 3 साल पहले इसी आहट के खौफ से इसने गोली चलाई थी, जिसने इसे इसी के भाई का कातिल बना दिया था। कौन? वो किचन से बाहर आई। कौन है? खौफ से इसके माथे पर पसीने आ गए थे। आउच! अचानक किसी ने पीछे आकर इसके दाएं बाजू पर खंजर से वार किया था। वो खौफ से जमीन पर जा गिरी थी। कौन हो तुम? वार करने वाले शख्स ने अपना मुंह स्याह मास्क से ढका हुआ था। तुम्हारी मौत! इससे पहले वो दूसरा वार करता अजफरीन वहां से दौड़ी थी। अंधेरे में भागते हुए इसका सर जाकर हाल में मौजूद पिल्लर से टकराया था। अपने जख्मी बाजू का दर्द भूल कर सर पकड़ कर होश बहाल करने लगी थी, तभी वो आदमी वहां खंजर लिए आया। खंजर इसके पेट में घोंप दिया था। आह! मौत को बिल्कुल करीब देखकर इसने आंखें भीज ली थी। यूर की आवाज कानों से टकराई थी। तुम ठीक हो? यूर ने इसे खुद में समेटा और इसे दौरान फर्श पर गिरा आदमी फिर से उठा। यूर के दाएं कंधे की पुश्त पर खंजर से वार किया था। तुम्हारा तो हम वो हशर करेंगे कि दुनिया देखेगी। दूसरे वार से कबल खंजर पकड़कर इसे लात मारता यूर ने जमीन पर गिरा दिया था। इस इंसान ने रींगते हुए फर्श पर गिरी अपनी रिवॉल्वर उठाने की कोशिश की तो वहां आते जहां ने पांव से रिवॉल्वर बहुत दूर फेंकी थी। सोना, तुम ठीक हो? इसे यूर के रहमो करम पर छोड़ता वह अजफरीन की तरफ दौड़ा था। हमारी बीवी को चोर पहचाने की हिम्मत भी कैसे की तुमने? हम तुम्हें जान से मार देंगे, यूर मार मार के इसकी दुर्गत बना रहा था। यूर, मैंने पुलिस को बुला लिया है, वहीं इसके अगले पिछले गुनाह अगलवाएगी। जहां ने इसे रोका, गिरफ्तार कर ले इसे। पुलिस के वहां आते जहां ने मुजरम को इनके हवाले किया था। जारी, तुम ठीक हो? यूर ने इसे सहारा देकर सोफे पर बैठाया। इसके बाजू माथे से खून बह रहा था। शुक्र है तुम वक्त पर आ गए यूर, वरना मास की तरह आज हम तुम्हें भी खो देते अजफरीन। हाँ, मास को भी तुमने नहीं, इस जलील इंसान ने मारा था। जहान के इंकशाफ ने इसे झंझोड़ कर रख दिया था। बताओ कि अब मैं अपना हाथ साफ करूं? जहान ने कुर्ते की आस्तीन चढ़ाई थी। कौन है? मास ने दहलीज पर खड़े शख्स को देखकर सवाल किया था। चूंकि अंधेरा था वो इसे पहचान न सका। कौन हो तुम मिस्टर? मास ने इसे धक्का मारा तो इसकी रिवॉल्वर जमीन पर जा गिरी। रिवॉल्वर? बिजली चमकने पर मास की नजर जमीन पर गिरी रिवॉल्वर पर गई थी। इससे पहले वो रिवॉल्वर उठाता आदमी ने पहले बढ़कर वो रिवॉल्वर उठा लिया और दोनों में हाथापाई हुई, जिसे मास फर्श पर जा गिरा। इस आदमी ने मास पर गोली चला दी। रिवॉल्वर के आगे लगे स्लेंसर के बायस गोली चलने की आवाज न आई थी। इसे मौत के घर उतारने के बाद वो कातिल अजफरीन की तरफ बढ़ा था। कौन है? इसकी कदमों की हार पर इसकी नींद टूटी थी, लेकिन इसीलिए मैं पूरा घर तारीकी में डूबा हुआ था।
आसमान पर चमकती बिजली जब खिड़की से अंदर चमकती तो एक लम्हे के लिए रोशनी होती मगर अगले ही लम्हे फिर अंधेरा हो जाता। मैं पूछ रही हूँ कौन है, हाथ में रिवॉल्वर पकड़े वह लाइब्रेरी से निकली थी। रुक जाओ वरना मैं गोली मार दूंगी। अंधेरे में इसने किसी इंसान को अपनी तरफ आते देखा, यह इंसान वही कातिल था। रुक जाओ, घबराहट में इससे गोली चल गई थी। सीढ़ियों के किनारे खड़ा इंसान गोली लगने के बाद सीढ़ियों से नीचे जा गिरा था मगर वो मांस नहीं था। स्प्रिंग की गोली इसके बाजू को में लगी थी मगर स्प्रिंग के हाथ से गोली खाने के बाद उसे मारने के लिए जैसे दोबारा उठा तो पोर्च में किसी के गाड़ी के आने की आवाज आई थी। पकड़े जाने के खौफ से वो बड़ी चलाकी से अपनी जैकेट उतार कर जख्मी बाजू पर लपेट कर वहां से दौड़ गया था। जब लाइट ऑन करने पर अस्फ्रीन ने मास्क को जमीन पर गिरा देखा, समझा कि इसने मास्क को मारा है। चंद लम्हों बाद वहां आते गार्ड्स ने भी सिर्फ इन दोनों को वहां पाया था। बहन को सजा से बचाने के लिए सलमान ने अपनी रिवॉल्वर भी छिपा दी थी और मास्क का पोस्टमार्टम करने से भी इनकार कर दिया था। माना यह हकीकत 4 साल पहले ही खुल जाती कि मास्क की जान अस्फ्रीन की गोली से नहीं गई थी। ले जाएं इसे वरना हम इसे यहीं जिंदा दरगोर कर देंगे। ये उर्तैश में बेकाबू हुआ तो पुलिस मुजरम को लेकर चली गई थी। मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ। यूर अस्फ्रीन की जख्मी हालत देखकर जहां डॉक्टर को कॉल मिलाने वाला वहां से बाहर चला गया था। दार हकीकत इसे वहां रुकना मुनासिब नहीं लग रहा था। जारी अल्लाह का शुक्र है तुम्हें ज्यादा नहीं लगी, हम कितना डर गए थे। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो अपनी चोट को मुकम्मल फरामोश किए हुए था। तुम जा सकते हो, मैं ठीक हूँ। इसकी अना जो की तू थी सारी यूर शर रह गया था। जहान है मेरे साथ, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है, जाओ। इसने एहसान फरामोशी की इंतहा कर दी थी। जो इसने बाएं हाथ से यूर को पीछे धकेला था। ठीक है, हम भी मर जाएंगे अस्फ्रीन आलम अफरीदी, मगर तुम्हारे दर पर अपनी मोहब्बत की भीख मांगने नहीं आएंगे। अगर तुम्हारी नाक इतनी ऊंची है तो हम भी इतने बेगैरत नहीं है। अब तुमसे हम भी इसी जबान में बात करेंगे जो तुम्हें समझ आती है। पाँव पटकता हुआ वहां से चला गया था। अस्फ्रीन को एहसास हुआ कि शायद इसने ज्यादती कर दी है। यूर के जाते साथ ही सलमान शहीर भी वहां चले आए थे। इसकी एक भी सुने बगैर सलमान इसे डांट डपट कर वापस अफरीदी पैलेस ले गया था। अगले रोज अब्बास बलोच के अलावा बलोच खानदान के सब अफराद इसकी यादत के लिए आए थे। इन सब के दिल वाकई बहुत बड़े थे जो अस्फ्रीन के लिए इतना इंतहाई कदम के बाद भी सब ने इसे माफ कर दिया था। इसे यूर का भी इंतजार था मगर वो ना आया था। सुल्तान भी इसे मिलने आया था और ढेरों नसीहतें देकर गया था। यूर नहीं आया हानी, सबके जाने के बाद इसने हानी ने तसल्ली की थी। आए होते तो तुमसे मिलने भी आ जाते ना, हानिया ने रूखेपन से जवाब दिया। तुम क्यों जली भुनी बैठी हो, अस्फ्रीन ने इसके बदले के लहजे का मकसद पूछा था। तुमसे बड़ा एहसान फरामोश मैंने नहीं देखा अस्फ्रीन आलम अफरीदी, इस इंसान ने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया और तुम कल तो तुमने इंतहाई कर दी। तुम्हारी जान बचाते बचाते वो इंसान अच्छा खासी जख्मी हो गया मगर तुम पत्थर भी इतने सख्त और बेहिस नहीं होते जितनी तुम हो। अब तो ये भी साबित हो गया कि मास को तुमने नहीं बल्कि सारा ने मरवाया था। फिर तुम किस बात की सजा दे रही हो खुद को और इस बेचारे यूर को। इसके लिए लाया दूध का गिलास हानिया ने लैंप के पास रखा था कमरे से निकल गई थी। सारी रात वह हानिया की कही बातों के बारे में सोचती रही थी। दिल किया कि यूर को कॉल करे मगर अना के हाथों मजबूर होकर वो रुक गई। सोचते सोचते न जाने कब इसकी आंख लगी। सुबह अलार्म के शोर से इसकी आंख खुली थी। क्या बकवास है, इसने अलार्म जमीन पर फेंकने की नीयत से उठाया मगर रुक गई। यूर वो उंधे मुंह कंबल ओढ़े दोनों हाथ सरहाने के नीचे दिए मीठी नींद सो रहा था। जब 3 आवाजों पर भी इसकी आंख ना खोली तो स्क्रीन ने पास पड़ा अलार्म क्लॉक इसके कानों में बजाया था। क्या बकवास है, इसने उठकर अलार्म क्लॉक खींच कर जमीन पर दे फेंका था। आइंदा ऐसी हरकत की तो एक लगाएंगे, ऐसा बेहूदा मजाक हमें जहर लगता है, इसने इसे भी अच्छी खासी सुना दी थी। जारी बर रफ्तारी से इसकी आंखों में जमा होता पानी देख यूर शर्मिंदा हुआ मगर वह जवाब दिए बगैर ड्रेसिंग टेबल के सामने जा खड़ी हुई थी। क्या हम तुम पर गुस्सा भी नहीं कर सकते, हमारी जारी पर इतना भी हक नहीं हमारा। इसे पीछे से अपने सार में लेकर यूर ने अपना मुंह इसके दाएं कंधे पर रखा था। गुस्सा करने में और बेइज्जत करने में बहुत फर्क होता है, इसने आंसू साफ करते हुए जवाब दिया था। अच्छा बाबा माफ कर दो, सामने देख आईने में क्या नजर आ रहा है, वह दिलरुबा अंदाज में बोला था। आप हैं और मैं हूँ, इसने नजर उठाकर अपना यूर का अक्स देखा था। और से देखो बाबा, इसने इस बार अपनी बात पर जोर दिया था। हम ही तो है ना, इसे कुछ मुख्तलिफ ना लगा। यही तो हम तुम्हें समझा रहे हैं कि हम दोनों अलग अलग नहीं है जारी, एक हैं। जितना भी गुस्सा करें लड़े झगड़े कभी भी अलग नहीं हो सकते। यूं समझ लो कि हम दिल हैं, तुम हमारी नाजुक सी लाडली सी नन्ही मुन्नी सी धड़कन हो। इसकी बातों पर स्प्रिंग खिलकर मुस्कुराई थी। फूफो बाबा जान बुला रहे हैं, सलमान की बेटी सना कमरे में दौड़ती हुई आई थी। इसके हवास बहाल हुए थे,
आ रही हूँ, इसने अलार्म क्लॉक वापस लैंप टेबल पर रख दिया था। चूंकि इतवार की सुबह थी इसलिए नाश्ते की मेज पर घर के सब अफराद मौजूद थे। अस्फरीन भी यही चाहती थी कि इसका फैसला सुनने के लिए सब अफराद इकट्ठे हों। इसने सबका नाश्ता मुकम्मल हो जाने के बाद अपना फैसला सुनाने के लिए बहुत हिम्मत दिखाई थी। मैंने एक फैसला किया सलमान लाला, बच्चे की उड़ते इसने अपनी बात कही थी। कहो, वो मतवजा हुए थे। मुझे आपका साथ चाहिए, वो कहने से झिझक रही थी। मैं हर फैसले में आपके साथ कदम से कदम मिलाकर खड़ा हूँ मेरे बेटे, सलमान ने इसे इत्माद में लिया था। मैं एसबी का चैनल दोबारा से ज्वाइन करना चाहती हूँ, अपने कैरियर को दोबारा से शुरू करना चाहती हूँ, वो झुककर बोली। तुमने ह्यूर से इजाजत ली? शहीर की कनपटियां सुलग गई थी। मुझे जरूरी नहीं लगा, वैसे भी मेरी जिंदगी है, इस पर मैं से किसी और की हुक्मरानी बर्दाश्त नहीं करूंगी। वो बेलगाम थी। किसी की अच्छाई का इतना फायदा मत उठाओ शोना कि इसके अंदर का अच्छा इंसान ही मर जाए। चाय का कप मेज पर पटकता शहीर वहां से उठकर चला गया था। मैं तुम्हारे साथ हूँ बेटे, जो तुम्हें सही लगता है वो करो, सलमान हमेशा की तरह इसके साथ मौजूद था। थैंक्स सलमान लाला, हानिया और जाला को अपनी तरफ मुतफक्कर नजरों से देखकर वो खुद भी वहां ज्यादा देर ना बैठ सकी और उठकर चली गई। बहुत बहुत मुबारक हो मिसेज ग्यूर बलोच, यू आर एक्सपेक्टिंग। वो डॉक्टर के पास इतने अपनी रिपोर्ट लेने आए तो मिलने वाली खबर ने इसे चमका दिया था। आपके हस्बैंड नहीं आए आपके साथ? अस्फरीन को मुकम्मल खामोश देखकर डॉक्टर ने दूसरा सवाल किया था। नहीं, दरअसल वो अपने मेके आई हुई हूँ। थैंक्स, अपनी रिपोर्ट्स लेती वो वहां से उठकर घर आ गई थी। चची अम्मी, वो घर पहुंची तो लॉन्च में मौजूद शादा बलोच को देखकर चौंक गई थी। कैसी है? उसे मिलने के लिए उठी तो अस्फरीन ने इसे लिपटकर बेख्तियार रो पड़ी। बस शोना, इसका जब टूटता देख शादा ने इसे चुप करवाया था। कहाँ थी आप चची अम्मी, सबसे ज्यादा मुझे आपकी जरूरत थी, और आपने एक बार भी पलट कर अपनी शोना की खबर ना ली। वो रोते रोते इसे शिकवा किया था। बाकी के शिकवे कमरे में कर लेना, चची अम्मी इतना लंबा सफर करके आई है, वो एक लम्हे के लिए भी चैन से नहीं बैठी थी। इन्हें अंदर ले जाओ, जाला ने कहा। चलिए, इनका हाथ पकड़े अस्फरीन कमरे को खोली थी। शहदा की गोद में सर रखे वो कितनी देर दिल का गुबार निकालती रही। शहदा ने भी इसे चुप ना करवाया ताकि जितना भी गुबार इसके दिल में भरा है वो आंखों के रास्ते बह जाए। जो बात वो इससे समझाना चाहती है, इसके लिए अस्फरीन का दिल हल्का होना लाजमी था। तभी जाकर कुछ इसकी समझ में आता। मास चले गई, मास भी मुझे छोड़ गया, तब भी आपको मुझ पर तरस नहीं आया? मेरी नदानी इतनी बड़ी तो नहीं थी चची अम्मी कि आपने इतने बड़े सहने के बाद भी मेरा चेहरा देखना गवारा नहीं किया? दिल हल्का हो जाने के बाद वो शिकवा करने लगी थी। माजी को माजी में ही रहने दो शोना, वो इसके बालों को सुलहाते हुए बोली। आप क्यों नहीं आई माँ को रुखसत करने के लिए? मैं तो नहीं थी ना, आप तो होती ना? इसके शिकवों की एक लंबी फहरस्त तैयार थी। कैसे आते, हमें हौसला नहीं था अपने बेटे की कफन में लिपटी लाश देखते। इस फरिश्ते सिर्फ औरत को हमेशा के लिए रुखसत होता देखते, जिसने हमारे साहिबान बनकर हर परेशानी में हमारे लिए मजबूत सहारे का करदार अदा किया। इसने अपनी बुजली को जवाब बनाया था। एक लम्हे में मेरी उम्र भर की कमाई लुट गई चची अम्मी, मास और माँ के जाने के बाद मुझे अपना जिंदा रहने की कोई वजह ही नजर नहीं आई। ये क्या है? इसे बात करते करते शायदा की नजर सरहाने पर रखी रिपोर्ट्स की फाइल पर गई थी। मेरी रिपोर्ट्स? छोड़िए इन्हें। इसने गोद से सर उठाकर फाइल शायदा से लेकर वापस सरहाने पर फेंकी थी। कुछ खास नहीं है इनमें, क्या छुपा रही हो? बताओ हमें, क्या है रिपोर्ट्स में? इसकी आंखों में छुपे चोर को शायदा ने पकड़ लिया था। आप नानी बनने वाली हैं। इसे यूं खबर सुनाई गोया इसे जरा भी खुशी ना हुई हो। क्या पागल, इतनी खुशी खबर इतने मरे हुए अंदाज में सुना रही हो? इसका चेहरा हाथों में भरकर शहदा ने इसका माथा चुमा था। मुझे खुद समझ नहीं आ रहा है कि मुझे खुश होना चाहिए या गमगीन, अब तक इस इंसान के हाथों में जलील ही होती आई हूँ। अब पता नहीं मेरी औलाद को क्या क्या झेलना पड़ेगा, वो तड़पी थी। यूर जान देता है तुम पर शोना, क्यों ना शुक्रापन दिखा रही हो? जो इंसान एक लम्हे में जान देता हो ना, अगले ही लम्हे वो जान ले लेता हो। इसकी मोहब्बत का क्या एतबार करूँ चची अम्मी? मैंने जब जब यूर पर एतबार किया तब तब इसने मुझे इतनी गहरी चोट पहुँचाई है कि इसके दिए गए जख्म मेरे दिल में नासूर की तरह चुभते हैं। चाहकर भी इस पर एतबार नहीं कर सकती। आप कभी मेरा दर्द नहीं समझ सकती। तुम्हारा दर्द हमसे बेहतर कोई समझ ही नहीं सकता शोना। जो जिंदगी तुम पिछले 4 सालों से जी रही हो, हम वो जिंदगी पिछले 24 साल से गुजार रहे हैं। तुम तो खुश नसीब हो कि तुम्हें यूर अब्बास बलोच जैसा इंसान मिला। देर ही से सही से एहसास तो हुआ कि औरत भी इंसान होती है, जिसे सब लोग महज एक कुर्बानी का जानवर समझ कर किसी भी खूंटी से बांध देते हैं। अगर यूर की जगह कोई इलियास खान अफरीदी जैसा शख्स मिला होता तो तुम्हारी पूरी जिंदगी इसकी अजियतें काटते काटते ही गुजर जाती है, मगर इसकी जुबान से कभी तुम्हारे लिए एक अच्छा जुमला ना निकलता। इसकी बातों ने शहदा के जख्मों को ताजा किया था। आई एम सो सॉरी चची अम्मी, इसकी आंखों से बहते आंसू अपनी उंगलियों से समेटते अस्फरीन ने माफी मांगी थी। हमारे लिए हमारे नालायक भतीजे को एक मौका दे दो। इसके इल्तजा के बाद कमरे में गहरी खामोशी छा गई थी।
ठीक है, दिया इसे एक मौका, बदले में मुझे भी आपसे एक वादा चाहिए। बिलाखिर इसने खामोशी को तोड़ा, मगर इसका मान जाना किसी मौजजे से कम ना था। कैसा वादा? आप मेरे साथ बलोच हवेली चलेंगी। वो हवेली और इसके मकीन आज भी इस घर की बेटी के मुंतजर हैं। आपकी माँ आज भी आपकी चीजों से लिपट कर रोती है। आपके भाई की आंखों में आपके लिए जो मोहब्बत है, वो मैंने इसकी सगी औलाद के लिए भी नहीं देखी। चची अम्मी, हम नहीं जाएंगे। शोना, आपके न जाने की वजह आपका गुस्सा है ना चची अम्मी? आपके साथ जो जुल्म आपके भाइयों और बाबा सही ने किया, आप इसे माफ कर दें, तभी मैं आपके नालायक भतीजे को माफ करूंगी। रहा सवाल इस कैद से आजादी का, तो आज मैं आलम फरीदी की अकलौती औलाद होने के नाते आपको हर किस्म हर सजा से आजाद करती हूँ। चची अम्मी, आप अपने बलोच खानदान में लौट सकती हैं। मेरे होते हुए कोई भी आपको अब रोक नहीं सकता। इसका चेहरा दोनों हाथों में लिए अजफरीने से कैसे रिहाई दी थी। अजफरीन के बेहिस्सी और लापरवाही से आजिज आकर ग्यूर ने इसकी जिंदगी से बहुत दूर जाने का फैसला कर लिया था। अगली सुबह की फ्लाइट से वो लंदन रवाना हो रहा था। जब अजफरीन तक इसे नेक इरादे की खबर पहुंची, तो वो मजीद बदगुमान हुई। यानी इतने दावों को नजरअंदाज करता वो इसे एक बार फिर तन्हा करके जा रहा था। क्या बकवास है। वीरान सड़क पर इसे इसकी गाड़ी ने धोखा दे दिया था। इस वक्त वो खराब गाड़ी का मुआयना करते हुए इसे पीछे से हॉर्न बजने की आवाज सुनाई दी थी। इतनी बड़ी सड़क किसी अंधे को नजर नहीं आ रही। वो गुस्से से मुड़ा तो ड्राइविंग सीट पर बैठी स्प्रिंग का चेहरा दिखाई दिया। हर बार हमसे उलझना जरूरी है, इतनी बड़ी सड़क खाली दिखाई नहीं दे रही। गाड़ी के सामने खड़े होकर वो चिल्लाया था, तभी स्प्रिंग ने गाड़ी चलाना शुरू कर दी। पागल हो गई हो, इसने ऐन वक्त पर एक तरफ फिट कर अपनी जान बचाई थी। गोली से नहीं मरे तो गाड़ी से मारने पर तुली हो पागल कहीं की। इसने गाड़ी तेज रफ्तारी के साथ रिवर्स की तो ग्यूर को अपनी जान के लाले पड़ गए। अजफरीन आलम फरीदी, इसे लगा था इस मरतबा गाड़ी से इसे कुचल कर ही रुकेगी, मगर इससे एक जरे की फासले पर गाड़ी रोक दी गई थी। आयदा मुझे छोड़कर कहीं जाने का सोचा तो ये जो ब्रेक तुम्हें कुचलने से पहले लगी थी, या तुम्हें 10 बार कुचलने के बाद लगेगी। गाड़ी से निकलकर वो इसके सामने खड़ी हुई थी। क्यों हर बार ऐसा करते हो? बातें बड़ी बड़ी करते हो, हरकतें इतनी छोटी करते हो। मुझे छोड़कर जा रहे हो? हाँ, इसे जोरदार थप्पड़ ग्यूर के सीने पर मारा था। तो क्या करें, यहाँ रुककर तुम्हारे हाथों जलील हों? इसके हाथों को मजबूती से थामे ग्यूर ने तेवर दिखाए थे। हाँ, जलील तो अब तुमने सारी उम्र होना, बरखुरदार जो मुझसे दूर जाने का सोचा भी तो, वरना जो गोली सीने पर मारी थी ना, वही खोपड़ी में मारकर तुम्हारा दिमाग दुरुस्त कर दूंगी। हर बार जब भी लगता है कि कुछ अच्छा होने वाला है, तुम कोई ना कोई गड़बड़ कर देते हो। मुझसे बात किए बगैर पाकिस्तान से जाने का फैसला करने की हिम्मत कैसे की तुमने? और लंदन जाकर करोगे क्या मिस्टर बलोच? इंग्लिश तो आती नहीं है तुम्हें? इसकी कमजोर अंग्रेजी का मजाक उड़ाते हुए इसने बामुश्किल अपनी हंसी को काबू किया था। तुम्हारी तरह अंग्रेज नहीं है ना, सीधे साधे इंसान है। आज इसके नखरे रूज पर थे। ठीक है, जाओ मर जाओ, वहाँ जाकर किसी गोरी से शादी कर लेना। मैं यहाँ खुद को भी संभाल लूंगी और अपनी औलाद को भी। क्या वाकई जारी? इसका चेहरा खुशी से खिल गया था। नहीं, तुम्हें अप्रैल फूल बना रही हूँ, वो भी इसकी लापरवाही पर कलसी थी। तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि हमें यकीन नहीं आ रहा। हमें माफ कर दो, हम बाकी गधे हैं, जाहिल इंसान है। अब अपने गालों पर खुद ही थप्पड़ मारने लगा था। जाहिल भी हो, गवार भी, मगर जैसे भी हो सिर्फ मेरे हो। आइंदा मुझे छोड़कर जाने का सोचा भी तो गला दबा दूंगी तुम्हारा। इसकी कमीज दबोचकर अजफरीन ने इसे खुद के करीब करके इसकी आंखों में झांका था। इसके लिए हमारे गले तक तुम्हारा हाथ पहुंचना लाजमी है। इस मरतबा इसने अजफरीन को छोटे कद का ताना दिया था। तुम वाकई गधे हो। अजफरीन ने 2-4 जोरदार मुक्के इसके सीने पर लगाए थे। बस बहुत हो गया लड़ना झगड़ना, अब हम थक गए हैं जारी। अब हम तुम्हारे साथ एक अच्छी और खुशहाल जिंदगी गुजारना चाहते हैं। बस अब इस जंग को खत्म कर दो। हमें हमारी जारी वापस चाहिए, हमारी दोस्त, हमारी मोहब्बत, हमारी ढेर सारी दिल से इज्जत करने वाली लाडली बेगम। इसके दोनों बाजू अपनी गिरफ्त